तो व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सिंह और आप देख रहे हो अपना टेक साइल ट्रिक्स। तो पहले बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पुराने जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो आखिर थोड़ा टाइम के बाद आखिर स्लो क्यों हो जाते हैं। अगर स्लो हो गए हैं तो उसको स्पीड कैसे करें, ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ भाई लोग इसका रीजन भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ओल्ड जो आपका, मान लीजिए अगर आप लोग न्यू कंप्यूटर जब लेते हो तो उस समय तो एकदम सही चलता है, वही अगर आप लोगों का कुछ 6 साल 7 साल या 8 साल हुआ 10 साल इस टाइप का अगर आप लोग हो जाता है, किसी को 5 साल में लैपटॉप के साथ भाई लोग 5 साल में हो जाता है ऐसा, ओके। और पीसी का जो होता है आप लोगों का 8 साल 9 साल में ऐसा इस टाइप में होता है, ओके। तो होता ये है ना, कम पीसी ना या लैपटॉप हो गया आपका स्लो हो जाता है। क्यों होता है स्लो? जी हाँ दोस्तों, हम लोग लिए थे तो एकदम मक्खन के जैसे चलता था, एकदम स्पीड चलता था, लैग नाम का तो कुछ चीज ही नहीं दिखता था। आखिर ऐसा क्यों होता है सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और इसको फिक्स कैसे करना है। अगर आप लोगों का पीसी ना स्लो हो गया है ना, उसको स्पीड करने का भी मैं तरीका बताऊंगा, ओके। उस तरीका बताऊँ ये नहीं, मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि विंडोज विंडोज में जा करके ऐसे ऐसे, ये सब पुराना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों का स्पेक्सल हो रहेगा तो हो गई, तो ये सब बात का बात है। वही बहुत सारे लोग का मैंने देखा है कि भाई उनका जो कंप्यूटर है ना वो स्लो हो जाता है, लैपटॉप स्लो हो जाता है, इवन उनका जो आपके स्पेक्स भी है वो भी सही होने के बाद भी किसी किसी का स्लो हो जाता है, ओके। तो चलिए भाई लोग जानते हैं क्या कि पीसी या लैपटॉप्स होते हैं ना वो स्लो काहे हो जाते हैं, पुराने जैसे ही होते थोड़ा साल हो जाते हैं बाद वो आखिर स्लो काहे हो जाते हैं, उसको फिक्स कैसे करते हैं सब बात करते हैं। तो भाई लोग चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई लोग जानते हैं क्या कि हमारा जो कंप्यूटर और लैपटॉप होता है वो थोड़ा समय होने के बाद भाई लोग वो स्लो काहे हो जाता है। तो सबसे पहला रीज़न है भाई लोग, आप लोगों का विंडोज ना डालना। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपना कंप्यूटर में भाई लोग मान लीजिए आप लोग आज विंडोज़, अगर आप लोग आज भाई लोग अपने पीसी लिए हो तो नया विंडोज़ भाई लोग आज ही डाल करके वो लोग देता है। अब भाई लोग आज ही डाल कर देता है तो क्या होता है कि आप लोग 5 साल 6 साल 3 साल 4 साल तक आप लोग कोई नया विंडोज़ भाई लोग नहीं डलवाते हो। अब इससे क्या होता है कि आपका पीसी में कैश मेमोरी प्रोड्यूस होता रहता है और आपका पीसी को भाई लोग स्लो हो करता रहता है। आप लोग नया नया एप्लीकेशन अपने पीसी में भाई लोग डाउनलोड कर देते हो, डाउनलोड करने के बाद भाई लोग वो बैकग्राउंड में रन होता रहता है, ओके। तो इसके कारण भी ज़्यादातर केसेस में आप लोगों का जो पीसी है वो स्लो हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो स्लो हो जाता है। आप लोगों का अपने कंप्यूटर का जो स्पेक्स सब है वो भी भाई लोग एकदम सही होने के बाद भी आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग अपना जो विंडोज़ है वो भाई लोग चेंज नहीं करते हैं। विंडोज़ को भाई लोग, मैं ये बात बोलूँगा कि एक एक साल या दो दो साल में नया विंडोज़ डालते रहना चाहिए, मैं एक ही बात बोलूँगा। काफ़ी सारे लोग से मैंने सुना है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से मैंने कोई विंडोज़ नहीं डाला, तो भाई लोग ऐसे करने से नहीं चलेगा। अगर आप लोग भाई लोग विंडोज़ अगर आप लोग डालोगे ही नहीं, इतना दिन अगर आप लोग छोड़ दोगे तो आप लोगों का पीसी तो भाई लोग स्लो चलेगा ही। अब जब भाई लोग दूसरा चीज़ है ना, आप लोगों का पीसी में डस्ट ज़्यादा जमा हो जाना। आप लोग एक चीज़ देखना, आप लोगों का जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर होता है कि अगर आप लोग थोड़ा दिन का रख दोगे, अगर आप लोग आज लिए, अगर आप लोग 1 साल या 6 महीने आए तो 1 महीना 2 महीने तक भी देखना उसमें डस्ट जमने लगता है। और बहुत सारे लोग तो 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल तक भाई लोग साफ़ नहीं करवाते, तो उनका सोचो दोस्तों पीसी का क्या हालत होता होगा। तो मैं भाई लोग इसके बाद जो है भाई लोग आप लोगों का पीसी भाई लोग आप लोग क्लीन करते रहना चाहिए, आप लोग कंपोनेंट निकाल देना चाहिए, कंपोनेंट निकालने के बाद थोड़ा साफ़ सुथरा करके वापस से लगा देना चाहिए, ओके। ब्रश व्रश से साफ़ कर दें और उसके बाद वापस से लगा देना। अब इससे लगाने से होगा कि आप लोगों के पीसी स्लो चलेगा। होता है कि फ़ैन उनके चलते आप लोगों का हीट उट ज़्यादा, डस्ट वो चलती ज़्यादा जा नहीं पाता है, प्रोसेसर ज़्यादा गर्म होता है, तो उसके कारण भी आप लोगों का जो कंप्यूटर है ना वो स्लो चलता है, ओके। तो आप लोग अपना कंप्यूटर को है ना वो समय समय पर भाई लोग साफ भी करते रहना चाहिए। अब साफ कैसे करना है, आप लोग क्या करना है, बस सिंपल मैं तो एक ही बात बोलूँगा, सब कंपोनेंट को निकालो, ब्रश से साफ करो, लगा दो। अब लगाने के लिए, खोलने के लिए, अब यूट्यूब पे सबका वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप लोग लिखोगे कि पीसी कैसे, पीसी कंपोनेंट कैसे लगाए, तो काफ़ी सारा आप लोग वीडियो को मिल जाएगा दूसरे बहुत सारे चैनल को, तो आप लोग उनका भी चैनल जाकर देख सकते हो, आप लोगों का काम में आएगा, ओके। तो अब जो भाई लोग इसके बाद जो चीज़ है, मेरे साथ तो ये हो चुका है इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाने से। अब ये कौन सा नया टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का पीसी, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का सब चीज़ सही है तो कई बार होता ये है ना, अगर आप लोगों का हार्ड डिस्क ख़राब होने वाला रहता है, अगर आप लोगों का हार्ड डिस्क डेड होने वाला रहता है, तो भी भाई लोग आप लोगों का जो कंप्यूटर है ना वो स्लो हो जाता है। अब कैसे स्लो होता है, होता ये, अब मेरे साथ देखो क्या हुआ था, अब मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मेरा एक हार्ड डिस्क था WD का, तो अब वो हुआ गया था ना, तो मेरा तो वो रखा हुआ था, मैं उसको चलाता था, तो अचानक क्या हुआ, थोड़ा दिन में करीबन 1 हफ्ता होने का देखा कि मैं धीरे धीरे मेरा कंप्यूटर स्लो हो रहा है। तो एक समय ऐसा आया मेरा कंप्यूटर वो हार्ड डिस्क को बूट ही नहीं कर रहा था, फिर मेरे को पता चला कि जो भाई मेरा जो हार्ड डिस्क है ना वो ख़राब हो गया। तो भाई लो आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो जाने के बाद भी, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाने से भी, हार्ड डिस्क या ख़राब होने वाला रहता है तो भी आप लोग कंप्यूटर स्लो चलता है, ओके।
तो अब भाई लोग जो मेन टॉपिक आता है, एक और चीज़ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये भाई लोग आप लोगों का काम आ जाएगा। अब ये अगर आप लोग ये सब भाई लोग करने के बाद भी अगर आप लोगों का नहीं हुआ ना, तो ये वाला हो सके आप लोगों का काम कर जाएगा। ओके, तो चलिए भाई लोग उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए भाई लोग देखते हैं कि आखिर हमारा जो पीसी होता है वो स्लो कहाँ हो जाता। मैंने पहले ही बोला था, तो ये भाई लोग सबसे लास्ट वाला चीज़ है और इसका चलते बहुत सारे लोग का पीसी में प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग क्या करना है ना, अपना पीसी को ओपन कर लेना। अगर आप लोगों का पीसी स्लो हो गया है तो क्या करना पड़ेगा ना, खोल देने के बाद ना यहाँ पर ही, तो मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, माइक का मेरा तार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि, तो ये है मेरा, तो यहाँ पर आप भाई लोग जैसा कि देख सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये फ़ैन को हटा देना पड़ेगा। अब ये फ़ैन को हटा देने के बाद होता ये है ना, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हो, तो अब होता ये है ना, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ही ये जो यहाँ आप लोगों का जहाँ प्रोसेसर लगता है ना, यहाँ पर ये थर्मल पेस्ट लगता है, जो कि ये वाला जो थर्मल पेस्ट आता है ये पूरा आप लोगों को, जी हाँ दोस्तों, ये पूरा हीट सिंक वाला थर्मल पेस्ट आप लोगों को बस भाई लोग 50 रुपये मिल जाएगा। अब मेरे को तो दोस्तों ये 50 रुपये मिला, आप लोगों को वहाँ पता नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो थर्मल पेस्ट ना, सिर्फ एक बूंद लगा करके इसको बंद कर देना पड़ेगा, सिर्फ एक बूंद। तो मैंने भाई लोग यहाँ लगा दिया है, ओके, तो पहले से ही, तो ये वाला सिर्फ आपको यहाँ पर एक बूंद लगा देना, सिर्फ एक बूंद लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना, ज़्यादा चला गया तो मदरबोर्ड में चल जाएगा तो ख़राब भी हो सकता है। तो एक बूंद लगा देने के बाद ना इसको आप लोगों का भाई लोग सिंपली बंद कर देता है। अब ये करता क्या है, आप लोगों का क्या होता है ना, आप लोगों का पीसी भाई लोग गर्म हो जाने के बाद भी ना आप लोगों का पीसी है ना वो लैग करेगा, स्लो चलेगा। तो ये क्या करता है ना, ये हीट सिंक बोलते हैं इसको। अब भाई लोग मार्केट में जाना, भाई लोग हीट सिंक 50 रुपये वाला आता है, ओके, तो हीट सिंक भाई लोग इसको बोलते हैं। तो हीट सिंक आप लोगों का पीसी में क्या करता है ना, आप लोगों का जो पीसी को भाई लोग गर्म होने नहीं देता है, आप लोगों का प्रोसेसर को भाई लोग ठंडा रखता है, जिसके कारण अगर भाई लोग आप लोगों का प्रोसेसर ठंडा रहेगा ना, तो अब कंप्यूटर स्मूथ चलेगा, स्पीड चलेगा, ओके। समय के साथ साथ क्या होता है, ये पेस्ट भाई लोग सूख जाने के बाद भी आप लोगों का पीसी स्लो हो जाता है। तो ये भाई लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़, तो आप लोग इसको डाल देना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, ओके, बहुत सारा मेथड बताया। अब आप लोगों में कौन सा काम आता है मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर भी रहा भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिर आऊँगा ऐसी नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।